अडानी ग्रुप्स। दुनिया में अगर हम सबसे रिचेस्ट आदमियों की बात करें तो नंबर 3 पे आते हैं अडानी ग्रुप्स, लेकिन अब वो नंबर 3 पे से नंबर 7 पे आ गए हैं, फिर नंबर 7 से और नीचे जाते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो कि वो नंबर 3 पे से इतना नीचे जा रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसा हो सकता है या तो वो पूरा क्रैश कर जाएं या तो फिर वो फिर से रिगेन करके ऊपर आ जाएं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हुआ कुछ ऐसा है कि हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी है जो कि बाहर की है, इंडिया से बाहर की है, वो लोग कई सालों से अडानी ग्रुप्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अडानी ग्रुप लॉकडाउन के बाद से एकदम से टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आ गया था, वो भी पूरी दुनिया में। और अडानी ग्रुप ही एक ऐसी कंपनी बनी थी जो इतनी जल्दी इन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली थी, वो भी अचानक से। होता कुछ ऐसा है कि रिसेंटली हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट निकाली जो कुछ भी इन्होंने अडानी ग्रुप्स के ऊपर रिसर्च करी थी। उस रिपोर्ट में इन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए अडानी ग्रुप के ऊपर, वो लोग अपने प्राइस को, अपने स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लोन लेके रखा हुआ है। सीधा शॉर्ट में बोल दूँ तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये बोल रही है कि अडानी ग्रुप जो इतना ऊपर आ गया है अचानक से फ्रॉड करके आया है। इस रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स इतनी तेज़ी से नीचे गए, ऑलमोस्ट उनको 20 से 25% के अराउंड ओवरऑल में लॉस देखने को मिला। जहाँ पर अडानी ग्रुप्स की टोटल वेल्थ 120 बिलियन डॉलर्स की थी, उसमें से इन्होंने 48 बिलियन डॉलर्स सिर्फ वो रिपोर्ट के बाद लॉस किए हैं। एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप्स को इतना बड़ा लॉस दिखाया है, और सिर्फ अडानी ग्रुप को नहीं, ये रिपोर्ट्स कई सारे इससे पहले भी ऐसे इस तरीके से रिपोर्ट निकाल चुकी है कंपनीज के ऊपर, और कई सारी कंपनीज इसमें इसी तरीके से डूबे भी हैं। कई सारे लोग इस रिपोर्ट को सपोर्ट भी करते हैं, और कई सारे रिपोर्ट ये बोलते हैं कि ये जो हिंडनबर्ग है ये अपना पल्लू सेक रहा है, यानी कि ये अपना इसमें फायदा देखने के लिए इस तरीके से हरकतें कर रहा है। ये जो 48 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 4.2 लाख करोड़ रुपीस होते हैं, और साथ में इसमें हमारे इंडियन कंपनीज का भी लॉस है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं। सबसे पहले LIC की बात लेते हैं। LIC जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाती है हमारी, वो कंपनी ने इस अडानी ग्रुप में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। टोटल अगर देखें तो 74,000 करोड़ LIC ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा था। अब इस लॉस के बाद 18,000 करोड़ रुपए LIC के ख़त्म हो चुके हैं। अब दूसरी कंपनी की बात लें तो SBI भी इसमें इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि SBI ने अडानी ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा लोन दिया है। SBI के साथ साथ अडानी ग्रुप्स में और कई सारे बैंकों से लोन लेकर रखा है। वो सारे बैंक, क्योंकि अगर हम लोन का अमाउंट जमा करें तो टोटल 81,000 करोड़ रुपीस होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे कंपनीज डूबने लगी तो गवर्नमेंट इन तरीके के लोन्स को, जो कि बड़े बड़े आदमियों के लोन होते हैं, वो माफ़ करते जाती है। अपोजिशन भी, रूलिंग पार्टी भी यही इल्ज़ाम लगाती है कि जो रूलिंग पार्टी है मोदी जी की पार्टी, वो इन तरीके के बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति हैं उनके जो लोन्स होते हैं उनको वो माफ़ करते जा रही है। और वो पैसा किधर से आ रहा है? वो पैसा हमारे टैक्स पेयर का ही पैसा है, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वही वो बैंकों को दे रहे हैं। बैंक जाके लोन दे रहा है और वो लोन डूब जा रहा है, तो गवर्नमेंट उनके लोन को माफ़ करते जा रही है। ऐसे करके हमारा पैसा भी इसमें डूबता जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी करके उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, जो रिसर्च करी है, उसका इन्होंने रिप्लाई दिया है। अब देखना ये है कि जो पब्लिक की नज़र में अडानी ग्रुप्स की कंपनी की जो डाउनफॉल आई है, और पब्लिक को ये पता चला है कि अडानी ग्रुप्स थोड़ा सा फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या पब्लिक का ये भरोसा वापस से जीत पाएंगे? वापस ये क्या शेयर मार्केट में उस लेवल पे वापस आ पाएंगे, या फिर दुनिया के 3rd richest person में ये क्या वापस अपनी पोजीशन गेन कर पाएंगे, या फिर अडानी कंपनी क्रैश हो जाएगी और गवर्नमेंट इनके सारे लोन माफ़ कर देगी? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, मेरे को और मोटिवेशन भी मिलेगा, और अच्छे अच्छे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और इस सेटअप भी मैं चेंज करूँगा, और इस सेटअप के पीछे मैं एक अच्छा सा स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को सपोर्ट हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।